वेलकम बैक टू द वेलनेस शो. जी हाँ, बात हो रही है आपकी जो स्वेलिंग होती है, वाटर रिटेंशन होती है, और आपको ये समझ में नहीं आती ये स्वेलिंग कहाँ से आ गई, मैंने तो पानी ज़्यादा पिया ही नहीं था. एंड ऑल्सो या वन थिंग विच आई जस्ट वॉन्टेड टू नो डॉक्टर नीतू, के आई हैव हर्ड मैनी वुमेन, बहुत सी औरतें हैं जो हैं उसके बारे में बात करती हैं कि हमें ये स्वेलिंग हो रही है, ये हो रहा है, यहाँ स्वेलिंग है, वहाँ स्वेलिंग है, बट आई हैव नेवर हर्ड एनी मैन टॉकिंग अबाउट इट. क्या ये सिर्फ लेडीज़ की प्रॉब्लम है? नहीं, ये सिर्फ लेडीज़ की प्रॉब्लम नहीं है, पर एक तो ये है कि हम लेडीज़ को ज़्यादा तो होती है बिकॉज ऑफ सेवरल नेचुरल रीजंस, नॉर्मल रीजंस, तो इसलिए आपको हम जहाँ देखते हैं तो ज़्यादा लगता है कि विमेन आर सफरिंग. वैसे मेन भी सफ़र करते हैं पर वो लोग तो ज़्यादा बोलते नहीं हैं, और हमारी ड्यूटी है कि उनको भी हम इन्वॉल्व करें कि अगर उनको स्वेलिंग हो रही है, स्पेशली हार्ट डिजीज़ या किडनी डिजीज़ हो सकती है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वी शुड बी अवेयर कि ये सिर्फ औरतों का प्रॉब्लम नहीं है. अच्छा, मेन को भी हो सकती है. अच्छा, मैं देखते हैं अब ये कोई मेन है या हमारे जो कॉलर हैं, फर्स्ट कॉलर. हेलो, गुड मॉर्निंग. अस्सलाम वालेकुम, मैं अजब से बात कर रहा हूँ. जी सही साहब, जरा ऊंचा बोलिए प्लीज. जी, आपका आवाज आ रही है? जी अब आ रही है. आप जरा, हाँ जरा सा ऊंचा बोले, वो डॉक्टर फिर सुन सकती है, डॉक्टर नीतू जी. अच्छा, जरूर. खैर, मुझे ये सवाल तो नहीं पूछना है कि इंसान शर्म से पानी पानी क्यों हो जाता है, लेकिन जो सवाल मुझे पूछना है वो ये है कि आपने बताया है कि पानी की कमी की वजह से टिश्यूज़ में पानी जम जाता है, तो मेरे दो सवाल हैं. एक तो ये है कि इस पानी के जमने की वजह क्या है? क्या ये प्योरली डिहाइड्रेशन का मसला है या कुछ और भी डिजीजेज हैं जो इस चीज़ को लीड कर सकती हैं? बस ये सवाल है. थैंक यू सो मच, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. वो ये कह रहे हैं कि हाँ, जो आप कह रहे हैं ना कि अंदर जब हाँ, तो वो इसका मतलब है कोई इंडिकेशन है कि कोई और बीमारी है. करेक्ट. सो एक सॉरी और कॉल ले लेते हैं क्योंकि फिर वो लोग चले जाते हैं. हेलो, गुड मॉर्निंग. हेलो, गुड मॉर्निंग. मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरी, अगर ये पता नहीं आप जवाब दें कि ना, मेरी हील में पेन होती है. क्या होती है? सॉरी, हील, हाफ हील, राइट पांव के हाफ हील में पेन होती है चलते हुए बैठे हुए. इसका कुछ है कोई इलाज? आप पूछ रही हैं कि आपकी राइट आई में हील एड़ी में एड़ी में. अच्छा, आपकी जो हील है. अच्छा, सॉरी, अब मुझे आज पता नहीं आवाज़ क्यों इतनी वो आ रही है, जैसे फजी सी. तो चलें, ये आप कह रही हैं कि राइट हील में आपके जो है वो दर्द होता है. जी, चलते उस चलते हुए दर्द होता है. अच्छा, तो इसके लिए कुछ अगर बता. ठीक है, चले. ये मेरे ख्याल वाटर रिटेंशन से तो कोई वो नहीं है रिलेशन, लेकिन फिर भी अगर आपके पास कोई इसका जवाब हो तो आप जरूर दे सकती हैं. तो पहले जो है सही साहब का. सो पहला जो क्वेश्चन था, इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट. जो डिहाइड्रेशन तो एक ही कॉज है, वैसे ये सब जो इजीली सॉर्टेबल कॉजेज जो होती हैं, डिहाइड्रेशन, ज़्यादा सॉल्ट लेना, हीटिंग, बहुत गर्मी में, वो तो अलग प्रॉब्लम है. पर कई लोगों को जो हार्ट डिजीज़ है, किडनी डिजीज़ है, लिवर डिजीज़ है, उनको भी हो सकती है पानी जम सकती है, वो पेट में जम सकती है, लंग्स में जम सकती है. आप जब जम कहती हैं तो क्या मतलब है? इस फ्रोजन और व्हाट? नो, इट इज इट्स कॉल्ड एसआईटीज. सो देयर इज फ्लूइड इनसाइड. सो अगर हम स्कैन करें, स्टैग्नेटेड और व्हाट, इट कैन नॉट गो, इट इज कलेक्टेड इन द टिश्यूज एंड इट्स कलेक्टेड इन योर एब्डोमेन इन द एंड इट हैज नो वे टू लीव. सो देयर आर सेवरल कंडीशंस दैट कैन बी क्वाइट सीरियस. तो आप उसको वो जम कह रही हैं. अच्छा, सो basically what happens is that the two types of edema that we talked about, one can be natural causes, jo simple causes ho jate hain. Aap agar lambi flight le ya aap bahut kam pani liya hai aur bahut zyada caffeine containing drinks, bahut zyada coffee, alcohol, wo sab se थोड़ा स्वेलिंग और ब्लोटेडनेस हो सकती है. वो तो सिंपल है, जब वो आप कॉज निकाल देंगे तो वो आपका ठीक हो जाएगा, नेक्स्ट डे ठीक हो जाती है. पर अगर कोई सीरियस चीज़ है तो वो इडीमा, जो स्वेलिंग जो बोलते हैं, वो जाती नहीं है. वो एक दो दिन, तीन दिन, बहुत सारे दिन रह सकती है. तो इन दैट सिचुएशन आप डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए, क्योंकि बाई चांस कोई अंडरलाइंग प्रॉब्लम हो सकती है, चाहे वो हार्ट का प्रॉब्लम हो, चाहे वो किडनी का प्रॉब्लम हो, जो ठीक से काम नहीं कर रही है. किडनी का तो खास तौर पे जो है इससे बहुत किडनी का काम है, किडनी का काम है कि हमारा वाटर सोडियम के साथ निकालना चाहिए. तो वो जब ब्लॉक हो जाती है या वो ओवरड्राइव में जाती है तो हमारा स्वेलिंग भी ज़्यादा हो जाती है. तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर प्रॉब्लम
जल्दी से सॉर्ट आउट नहीं होता है, जो हम नेचुरल रेमेडीज जो बताएंगे बाद में, तो डेफिनेटली आप जीपी या डॉक्टर्स को दिखाना चाहिए। अच्छा, अब उन्होंने जो कहा उनके राइट हील में जो दर्द होता तो राइट हील का पेन जो हो सकती है, इट कुड बी बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस, या तो आपको कोई चोट लगी होगी, या वहाँ की आर्थराइटिस टाइप की सिम्टम हो सकती है, या आप कोई और अदर कुड बी एनी अदर। अच्छा, सियाटिका से जैसे होता है कई दफा, सियाटिका से वोंट गो डाउन टू द हील। अच्छा, पर देयर कुड बी मेनी सिंपल रीजंस, इट कुड बी बीइंग ओवरवेट, या अगर वजन ज्यादा है तो आपको वो प्रॉब्लम्स हो सकती है। गाउट यूजुअली अकर्स इन द टो, बट इट कैन अकर इन द हील, बट ऑफ कोर्स आई एम नॉट अ क्वालिफाइड ऑर्थोपेडिक सर्जन और जनरल प्रैक्टिशनर, आई एम अ गायनेकोलॉजिस्ट, सो आई थिंक इफ यू आर वरीड यू मस्ट गो एंड आप डॉक्टर को देखना चाहिए। हाँ, अगर ज्यादा तकलीफ आपको दे रहा हो तो आपको डेफिनेटली आपको जरा दिखाना चाहिए। अच्छा, तो हम ये बात कर रहे थे कि आप कहीं थी कि जो है वो ये आदमियों को भी होती है लेकिन जरा थोड़ी होती है, करेक्ट है, और उससे दैट कैन बी इंडिकेटिव ऑफ सम सीरियस प्रॉब्लम्स, वुमेन के लिए भी सीरियस प्रॉब्लम्स होती है। पर जो कॉमन कॉजेज जो होती है, एक तो प्रेगनेंसी में नेचुरल है कि स्वेलिंग होती है बिकॉज द वॉटर गेट्स हेल्ड इन द टिश्यूज, बट इन सम कंडीशंस अगर ब्लड प्रेशर भी आपका ज्यादा हो जाए प्रेगनेंसी में, तो फिर वो सीरियस कंडीशन हो सकती है, जो हम बोलते हैं प्री एक्लैम्सिया या प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, उसके साथ काफी टाइम ये स्वेलिंग या ब्लोटिंग हो सकती है। अच्छा। तो नॉर्मली प्रेगनेंसी में तो थोड़ा सूजन काफी कॉमन है, रिंग्स टाइट हो जाते हैं, क्लोथ थोड़ा टाइट हो जाते हैं, इवन इन अर्ली प्रेगनेंसी इट कैन बी अ प्रॉब्लम। बिल्कुल। और एक और हम कॉलर ले लेते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द शो। जी, मुझे एक क्वेश्चन पूछना है, जो ये नर्व का दर्द होता है उसका क्या मसला है, कोई होम रेमेडी चाहिए उसके लिए मुझे? अच्छा, ये जो आप कह रही हैं कि यहाँ पर नेवल में जो आपको कई लोगों को दर्द होता है, वो दर्द होता है बहुत जबरदस्त दर्द होता है, उससे खाना पीना भी बंद हो जाता है, इट्स वेरी वेरी पेनफुल। हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ ये बहुत सी और मैंने लेडीज का सुना है कि ये नाफ, पता नहीं वो कहती हैं कि ये नाफ गिर गई या नाफ पता नहीं हट गई या कुछ, कोई होम रेमेडी अगर बता सके तो। अच्छा, चलिए, ये अब ये गायनेकोलॉजिस्ट हैं, इनसे तो ये बात कर रही हूँ। तो नेवल, जो नेवल की जो पेन है, इट कुड बी बिकॉज़ ऑफ प्रोलैप्स ऑफ वूम जैसे। नहीं, तो नेवल का जो पेन होती है यूजुअली नॉर्मल है, इट कैन बी लाइक अ शूटिंग पेन। सो द इम्पॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड इज दैट ये काफी लोगों को होती है, काफी वुमेन मेन को भी हो सकती है, जो शूटिंग पेन्स जो होते हैं आती है फिर 10-20 सेकेंड के बाद चली जाती है, दैट हैज गॉट नो सीरियस कंसर्न एट ऑल। वो काफी होती रहती है, स्ट्रेस कैन ब्रिंग इट ऑन, फिर एसिडिटी भी हो सकती है, तो आप सोचते हैं कि आपका नेवल में पेन हो रही है पर एक्चुअली एसिडिटी हो रही है। तो इट्स इंपॉर्टेंट टू लुक एट योर डाइट, मेक श्योर दैट इज दिस पेन स्टेइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम और इज इट जस्ट शॉर्ट। इफ इट्स जस्ट शॉर्ट एंड फ्लीटिंग तो यू डोंट हैव टू वरी। हाँ, मगर मुझे ये लगता है कि वो जैसे ही, मेरा ख्याल है मसल्स जो हैं किसी के अगर लैक्स हो जाते हैं, लेडीज़ के खास तौर पे जब बच्चा हो जाता है, दिस इज़ व्हाट आई हैव हर्ड फ्रॉम दोज वेमेन, कि वो उनको फिर वो यहाँ पे लगता है जैसे कि वो नीचे कुछ जा रहा है, कुछ नीचे जा रहा है। वो आई थॉट इट वाज अबाउट द वूम, यू नो, बट दैट प्रोलैप्स ऑफ नेवल पेन, दैट वोंट बी नेवल। अच्छा, वो स्पेसिफिकली दे विल फील डाउन बिलो, दे विल फील अ ड्रैगिंग, दे विल फील दैट समथिंग इज कमिंग डाउन, दैट्स डिफरेंट। नेवल पेन could be sometimes a sign, appendix ka jab shuru shuru mein hoti hai to the pain starts in the around the belly button and then goes and localizes, right. So those are all serious conditions. Achha. But agar sharp pain ho, choti si bahut halki si, it lasts for a few seconds, you don't have to worry. But if it's continuous, it's not getting better with your simple measures, again you have to see your doctor. अच्छा, अगर ये एक्सरसाइज वगैरह करें तो उससे कुछ बॉडी टोन होती है या नहीं? इस नथिंग टू डू विद दैट। नो, आई डोंट थिंक इट्स एनीथिंग टू डू विद दैट। एक कॉल और ले लेते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द शो। हेलो, मॉर्निंग जी। जी हेलो। हेलो जी, गुड मॉर्निंग जी, मैं आयशा बात कर रही हूँ। गुड मॉर्निंग जी आयशा, वेलकम टू द शो। बात कर रही हूँ जी, तो प्लीज मुझे डॉक्टर साहब से पूछना एक सवाल ना। जी जी, मुझे ये पूछना था कि फाइब्रॉइड का मतलब, मेरा स्कैन हुआ उसमें फाइब्रॉइड नजर आए और वो काफी मतलब जो उनका बड़ा साइज होता है वो है, और वो यूट्रस की वॉल पे बता रहे हैं, ठीक है। तो मुझे ये पूछना है कि डॉक्टर ने मुझे कहा कि हम ऑपरेट भी कर सकते हैं और थेरेपी भी दे सकते हैं, तो काइंडली प्लीज मुझे बताएं कि मेरे लिए, मेरी एज 35 है, तो मेरे लिए क्या बेटर रहेगा, थोड़ा सा प्लीज तफसील से बता दें। और ये भी बता दें, कुछ लोग कहते हैं जी अगर आप इन्हें रहने दें तो ये कैंसर बन जाता है,
और क्योंकि मैं अक्सर इसमें पेन फील करती हूँ, है मेरे ये राइट साइड पे, लेकिन जो मैं पेन फील करती हूँ वो लेफ्ट साइड पे फील करती हूँ, बाकी मेरा जो पीरियड है वो नॉर्मल है, रेगुलर है, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे लेफ्ट साइड पे पेन होती है। तो अभी डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन स्टार्ट करवाई है, तो वो मुझे ऑपरेट का कह रहे थे कि हम ऑपरेट करते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा स्केयर्ड थी। अच्छा, प्लीज आप मुझे थोड़ी सी हेल्प कर दें कि मुझे क्या करना चाहिए और इसमें कोई खतरे वाली बात है या नॉर्मल है। थैंक यू आयशा फॉर योर कॉल, भी तो सुनूंगी, प्लीज काइंडली मुझे थोड़ा तफसील से बता दें प्लीज। थैंक यू आयशा, आपका कॉल का बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो कॉल्स और भी हैं, लेकिन ये हाँ अभी आप तो फाइब्रॉइड्स में, ये तो टॉपिक फाइब्रॉइड्स की नहीं है, पर फाइब्रॉइड्स कैन, फाइब्रॉइड्स क्या होते हैं, दे आर बिनाइन, कैंसर होने की तो बहुत 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 ही रेयर चांस है, तो आपको उस चीज़ के बारे में फिक्र नहीं करने की ज़रूरत है। सेकंड बात है कि पेन एंड फाइब्रॉइड्स यूजुअली डोंट गो हैंड इन हैंड। सो फाइब्रॉइड्स ऑन देयर ओन, आपको अगर आपके डॉक्टर ने बताया है कि ऑपरेशन नहीं करना है तो ठीक, वो अच्छी बात है, सबको फाइब्रॉइड्स के लिए ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर 100 women में almost 50 to 75 women actually have fibroids. So it's important to understand that it's a very common condition. आपकी periods का कोई problem नहीं है तो वो बहुत अच्छी बात है, अगर बहुत बड़ा है तो हम निकाल भी सकते हैं और दूसरी type के procedures भी कर सकते हैं, but ये fibroids, pain and fibroids is usually not a common thing except in pregnancy. अच्छा, तो चले इनका, मेरा ख्याल है ये अच्छी बात आपने बता दी, क्योंकि मुझे भी ये एक्सपीरियंस है कि फाइब्रॉइड्स का कह देते हैं और कहते हैं कि हाँ हो सकता है कि ये हो जाए कभी कैंसरस, तो आप फिर आपके वो डर हो जाता है, आप सोचते हैं ओहो पता नहीं, इसका मतलब है निकलवा देना चाहिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं दे रही फाइब्रॉइड्स, तो आई थिंक इट्स बेटर इफ यू जस्ट ओनली हैव सर्जरी व्हेन यू नीड इट, दैट मींस आपको अगर लग रहा है कि बहुत ही आपका पेट बढ़ गया है या पीरियड्स हैवी हो रहे हैं या आपको बच्चे नहीं हो रहे और fibroids are the cause of that, only then I would recommend seeing a specialist and then taking their advice. बिल्कुल, okay, चलें, ये तो आपने बताया। अच्छा, अभी हम वापस जैसे HRT, जब हार्मोनल जो है थेरेपी है, उसमें अगर आप जब होती bloating. है उसमें ब्लोटिंग भी लोगों Correct. को बहुत कंप्लेन होता है, तो मैंने जो बताया सब नॉर्मल सिचुएशंस होते हैं, एक तो प्रेगनेंसी हो गई, दूसरी बात है पीरियड्स के टाइम, वो हम बात करेंगे, और दूसरी है पिल्स। सो या तो आप हार्मोन रिप्लेसमेंट का पिल्स ले या कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले, तो शुरू शुरू में जब बॉडी एडजस्ट हो रही है ईस्ट्रोजन के, जो थोड़ा ज़्यादा ईस्ट्रोजन जो हम बॉडी में डाल रहे हैं वो एडजस्ट करने के लिए 3-4 महीने आपको लगेगा, जैसे बॉडी थोड़ा सूज गया है, थोड़ा ब्लोटेड फीलिंग है और पानी का रिटेंशन हो सकता है, पर वो सेटल हो जाती है, तो अच्छा। आपको डरने की कोई बात नहीं है, अगर ये कंटिन्यू रहे तो हो तब आप डॉक्टर से देखें, क्योंकि वैसे भी डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, जब भी आप कोई भी मेडिसिंस लेते हैं तो रेगुलर चेकअप्स तो होती रहती है, चाहे वो HRT हो या पिल हो, हर 6 महीने में, हर साल में, तो अगर आपको लगे कि प्रॉब्लम्स कंटिन्यू हो रही है तो प्लीज डोंट इग्नोर इट, इट्स ऑलवेज गुड टू टेक एडवाइस। अच्छा, ये तो एक नेचुरल आप कह रहे हैं तरीका है, उसकी वजह से हो सकता है, लेकिन एक मेरा ख्याल और कॉल वो कह रहे हैं। अच्छा जी, हेलो, गुड मॉर्निंग, हेलो, गुड मॉर्निंग, हेलो, गुड मॉर्निंग, वी आर हियरिंग यू, हेलो जी, हां जी, मैंने डॉक्टर से बात करनी थी। आप जरूर करें, बात करें, आप अगर नाम बताना चाहें तो बताएं, नहीं तो नहीं। मेरा नाम मिसेज अहमद है, मैं अपना फर्स्ट नाम नहीं बताना चाहती। कोई बात नहीं। अच्छा मिसेज अहमद, आप बताइए आपके क्या बात करना चाहते हैं। मेरे एक्चुअली ना पाँव में ना जब मैं चलती हूँ बड़ी दर्द होती है, दूसरा ये है कि मेरे जो थाइज है ना ये बहुत दर्द होते हैं, ऐसे पेन होती है जैसे करंट पड़ते हैं ना। ओहो, तो मैं बड़ी परेशान रहती हूँ, वैसे मुझे ब्लड प्रेशर भी बड़ा हाई हो जाता है, यू नो ऑलवेज रहता है मुझे, तो अगर मैं जब पाकिस्तान जाती हूँ तो मैं ठीक रहती हूँ, इधर होती हूँ तो मुझे काफी प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा, तो मैं दवाई वगैरह खाती हूँ सुबह जैसे कि डॉक्टर ने बताया हुआ है, लेकिन ये जो मुझे दर्द होती है ना पाँव में चलने के लिए, तो मैं 65 हूँ, यू नो, तो मेरे मैं बड़ी परेशान हूँ, मैं अकेली रहती हूँ, मैं विडो हूँ। अच्छा, तो बच्चे तो आपको पता अपने अपने घरों में है, लेकिन मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, जब मैं पाकिस्तान जाती हूँ ना मुझे ब्लड प्रेशर होता है ना मुझे कोई तकलीफ होती है, इधर मैं होती हूँ तो मुझे ऑल तकलीफें शुरू हो जाती हैं, पता नहीं क्यों।
अच्छा, मुझे बताएं आप पैर कह रही हैं फुट में होता है या आपके लेग में होता है, शिन में? नहीं, एक्चुअली जब मैं चलती हूँ मेरे पाँव के नीचे जो तलिए नहीं है उधर ऐसे जैसे करंट पड़ते हैं, सोल्स में। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो अभी ये बात हम करते हैं, मेरा ख्याल है अब हम ब्रेक की तरफ जाने वाले हैं, तो जस्ट टच ऑन दैट। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट, आप बहुत इम्पॉर्टेंट चीज पे टच किया है, ब्लड प्रेशर के टैबलेट्स समटाइम्स कैन कॉज साइड इफेक्ट्स और उसमें सूजन या पेन हो सकती है, तो वेरी इंपॉर्टेंट कि वो अपने डॉक्टर के पास जाए और अपना मेडिकेशन रिव्यू कराए ताकि उससे हमें पता चले कि पेन कुछ और चीज़ के लिए है या उनके ड्रग्स रिव्यू करना है। चले हाँ, हम ये अभी कंटिन्यू रखते हैं, इन्हीं का जो है सवाल का जवाब आप देंगे, लेकिन हम लेते हैं छोटी सी ब्रेक। अगर हमारे कोई मेल व्यूअर जो हैं अगर उनको ये प्रॉब्लम है तो वो भी हमें ज़रूर फ़ोन कर सकते हैं, बट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक।